नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हिंदू धर्म में धनतेरस के दिन खरीदारी करने का बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शॉपिंग करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और हमेशा खुशहाल रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसकी खरीदारी यदि हम गलती से भी करते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है, हमें परेशान होना पड़ेगा। दिवाली की तैयारियां हम सभी के घरों में शुरू हो गई है। दिवाली के त्यौहार की शुरुआत कार्तिक माह के त्रयोदशी तिथि यानी धनतेरस के दिन से शुरू हो जाती है। धनतेरस के दिन से अमृत कलश के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के बर्तन और आभूषण सहित चल अचल संपत्ति की खरीदारी करना बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन स्थायी चीज की खरीदारी करने से भगवान धन्वंतरी प्रसन्न होते हैं और पूरे वर्ष रुपए पैसे की कमी नहीं होती है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें यदि आप धनतेरस के दिन खरीद लेंगे तो भगवान धन्वंतरी नाराज हो जाएंगे। देश भर में धनतेरस और दिवाली की तैयारी जोरों पर है। धनतेरस पर दिवाली से दो दिन पहले यानी कार्तिक त्रयोदशी को मनाया जाता है, जबकि दिवाली कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी देव की पूजा का विशेष लाभ मिलता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस का खरीदारी करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर खरीदारी करने से आपके घर में धन में वृद्धि होती है, इसलिए लोग जल्दबाजी इस दिन बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करने से धन में वृद्धि की बजाय आपको धन हानि हो सकती है? इसलिए आपको धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, इस बात की पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए जानते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं। नंबर एक, लोहे से बनी चीज़ें। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन लोहे से निर्मित वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लोहे को शनि देव का कारक माना जाता है। इस दिन लोहे की खरीदारी से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे से बनी चीज़ों को धनतेरस पर भूलकर भी खरीदने की गलती ना करें। ऐसा करने से त्यौहार पर धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। नंबर दो, नुकीली व धारदार चीज़ें। धनतेरस के दिन गलती से भी नुकीली चीज़ें जैसे चाकू, कैंची, सुई, तलवार आदि की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी खरीदारी से भगवान धन्वंतरी नाराज होते हैं, जिससे आपके घर में अशांति रहती है और हमेशा आपस में टकरावन होता है। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं खरीदने से बचें। इस दिन चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से सख्त परहेज करना चाहिए। धनतेरस पर इन चीज़ों को खरीदना अशुभ माना जाता है। नंबर तीन, कांच के बर्तन। धनतेरस के दिन हम में से ज़्यादातर लोग कांच के बर्तन खरीदते हैं। ऐसे में यदि आप भी बर्तन लेने की सोच रहे हैं तो इस दिन कांच के बर्तन या डिनर सेट भूल कर भी ना खरीदें, क्योंकि कांच का संबंध राहु से होता है। ऐसे में राहु से जुड़ी चीज़ें धनतेरस के दिन खरीदने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे फिजूली खर्ची में वृद्धि होती है और घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन कांच की चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नंबर चार, चीनी मिट्टी के बर्तन। धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी से निर्मित बर्तन, शोपीस, गमले जैसी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का कोई लाइफ नहीं होता है और ये कभी भी टूट फूट सकती हैं। ऐसे में
धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदारी करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। धनतेरस पर चीनी मिट्टी से बने बर्तन या गुलदस्ता आदि खरीदने से बचना चाहिए। इन चीज़ों में थाईपन नहीं रहता है, जिससे घर में बरकत की कमी रहती है। इसलिए चीनी मिट्टी की चीज़ें बिल्कुल भी ना खरीदें। नंबर 5, स्टील और एल्युमिनियम से बनी चीज़ें। हम अक्सर धनतेरस के दिन एल्युमिनियम या स्टील से बनी चीज़ों की खरीदारी करते हैं, लेकिन इन धातुओं में राहु का प्रभाव होता है और इसे खरीदने से घर में दुर्भाग्य आता है। धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर ले आते हैं, जबकि इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का भी प्रभाव होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक धातुएं ही खरीदनी चाहिए। मानव निर्मित धातु में केवल पीतल खरीदा जा सकता है। धनतेरस पर कुछ लोग एल्युमिनियम के बर्तन या सामान भी खरीद लेते हैं, इस धातु पर भी राहु का प्रभाव होता है। एल्युमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। त्यौहार पर एल्युमिनियम की कोई भी चीज़ें घर लाने से बचें। नंबर 6, काले रंग की चीज़ें। काला रंग शनि देव और राहु का कारक होता है। ऐसे में धनतेरस के दिन गलती से भी काले रंग की चीज़ों को खरीद कर ना रखें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर में लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ें खरीदने से बचें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर में लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से दुर्भाग्य और अशुभता का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ें खरीदने से बचें। साथ ही इस दिन काले रंग का वस्त्र भी धारण नहीं करना चाहिए। नंबर 7, प्लास्टिक का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी चीज़ें घर ले आते हैं। बता दें कि प्लास्टिक बरकत नहीं देता है, इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान घर ना लेकर आएं। इस दिन आधुनिक वस्तुएं एवं एस्ट्रो विशेषक दीप्ति जैन के अनुसार पंच उत्सव से पहले त्यौहार धनतेरस पर लोहा और प्लास्टिक के बर्तन भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। स्टील को भी लोहा माना जाता है, इसलिए इस दिन स्टील के बर्तन भी ना खरीदें, क्योंकि प्लास्टिक राहु दोष का कारक है और लोहा शनि ग्रह का दोष है। ग्रह दोष होता है तो घर में नकारात्मकता का वास होता है। नंबर 8, खाली बर्तन घर ना लाएं। धनतेरस के दिन यदि आप कोई बर्तन या इस्तेमाल करने का सामान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसे घर में खाली लेकर ना आएं। बर्तन में लाने से पहले इसे पानी, चावल या किसी दूसरी सामग्री से भर लें। नंबर 9, मिलावटी चीज़ें। धनतेरस के दिन यदि आप तेल या घी जैसे चीज़ें खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए, ऐसी चीज़ों में मिलावट हो सकती है और इस दिन को अशुद्ध चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस पर अशुद्ध तेल या घी के दीपक ना जलाएं। नंबर 10, कार ना खरीदें। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है, क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन अगर आप धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर लें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है, इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 11, तेल। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादक जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये चीज़ें पहले से ही खरीद कर रख लें। नंबर 12,
खाली बर्तन ना खरीदे। धनतेरस के दिन भूल कर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, घर में बरकत नहीं होती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज़ से भर लें। नंबर 3, नकली फूल से ना सजाए घर। कृत्रिम पुष्पों से घर को ना सजाएं। अपने घर को ताजे फूलों और पौधों से सजाएं। नकली व प्लास्टिक से बने पुष्प नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करते हैं। इसमें जमी धूल मिट्टी वास्तु एवं वैज्ञानिक दृष्टि से नुकसानदेह है। इस दिवाली घर पर तुलसी, मनी प्लांट, बांस का पौधा, गेंदे का फूल, हर श्रृंगार आदि सुंदर पौधे से सजाएं। जितना हम प्राकृतिक वस्तुएं घर में लाएंगे उतने हमें प्रगति देंगी। नंबर 14, मिट्टी के बर्तन खरीदना देता है गणेश जी की कृपा। घर में मिट्टी के बर्तन व मूर्तियां लाने से बुध ग्रह शुद्ध होता है। बुध ग्रह शुद्ध होने से हमारा बौद्धिक विकास होता है, श्री गणेश देव का आशीष प्राप्त होता है। नंबर 15, पूजन से पहले कर ले ये चीज़ें। धनतेरस पर कुबेर लक्ष्मी पूजन से पहले घर की पूरी साफ सफाई कर ले। साफ घर में कुबेर माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। बहुत से लोग धनतेरस पर भी घर की साफ सफाई करते हैं, जो कि सही नहीं माना जाता है। दिवाली पर्व का धनतेरस पर लक्ष्मी पूजन से शुरू हो जाता है, इसलिए घर की साफ सफाई पहले ही पूरी कर लें। नंबर 16, इनमें बरते सावधानी। धनतेरस से लेकर दिवाली तक न तो किसी से उधार लें और न किसी को उधार दें। धन का किसी भी तरह के लेन देन शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ और कुबेर भगवान नाराज हो जाते हैं। इसलिए धनतेरस से लेकर दिवाली तक लेन देन के दौरान सावधानी बरतें। नंबर 17, खाली लेकर घर ना आए यह चीज़ें। अगर धनतेरस पर कोई बर्तन खरीद रहे हैं तो केवल अकेला बर्तन ना खरीदें, इसके साथ ही कुछ दूसरी चीज़ें भी खरीद लें, फिर चाहे वह 1 रुपए की ही क्यों ना हो। जब बर्तन को घर लेकर आए तो उसमें कुछ मीठा जरूर डालें। खाली बर्तन घर लेके आना अच्छा नहीं माना जाता है, यह छोटी सी गलती सुख समृद्धि में बाधा डालती है, इसलिए खाली बर्तन को घर में लेकर ना आए। नंबर 18, इन चीज़ों का रखें ध्यान। धनतेरस के दिन कुबेर व लक्ष्मी की पूजा की जाती है और तिजोरी या अलमारी में उपाय या पूजन के तौर पर अक्षत के साथ कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, लेकिन तिजोरी या अलमारी में अक्षत रखते समय ध्यान रखें कि वे खंडित ना हों। तिजोरी या अलमारी में खंडित अक्षत रखना बेहद अशुभ माना जाता है, इसलिए इन मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें। नंबर 19, नकली आभूषण। कुछ लोग औपचारिकता पूरा करने या फिर पैसों की कमी की वजह से धनतेरस पर आर्टिफिशियल आभूषण खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है क्योंकि इससे घर में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए आर्टिफिशियल आभूषण खरीदने से बचें। नंबर 20, प्लास्टिक झाड़ू। धनतेरस पर प्लास्टिक के बर्तन और इससे निर्मित दूसरी चीज़ें जैसे गुलदस्ता की खरीदारी से बचना चाहिए। प्लास्टिक कभी भी बरकत नहीं देता है। धनतेरस पर झाड़ू जरूर खरीदी जाती है, लेकिन सिर्फ सीको या फूल वाली ही झाड़ू खरीदना शुभ है। गलती से भी प्लास्टिक की झाड़ू ना खरीदें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो मिल सके। थैंक फॉर वॉचिंग। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें।